पानी आता है और पूरा बगीचा हरियाली हरियाली हो जाती है, सब दूर वो पूरा हरा हो गया, जाम वगैरह सब, एट आम भी। और इधर मोटर चल रही है अपनी, उधर फार्म मिल गया है इसलिए। ये देखो, इधर का फार्म धुलवा दिया था अपन ने, क्लीन करवा दिया था, और आज इधर की बारी है, ये भी धुल गया है, ये मोटर चल। पानी जैसा माहौल हुआ बट पानी तो आया नहीं है ये। और इधर अपना ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, सिलेल बंजा सब यहीं पे पड़ा हुआ है अपना, और पानी की सख्त ज़रूरत है बट सब पानी आ नहीं रहा है, पानी नहीं आ रहा है और पानी की सख्त सख्त ज़रूरत है। इस वाले इधर जहाँ अपना घर है वहाँ वाले खेतों पे इधर पानी गिरा तो इधर तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट उधर जहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर उधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो पानी गिर जाए तो अच्छी बात है, बट अभी पानी गिर नहीं। आज देख सकते हो ये ऐसी हुई है अपनी इधर की सोयाबीन, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक रही है कि जो अपन ने खाद डाला था फार्म का, और वो जगह जगह कुछ जगह ज़्यादा गिरा तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे को टापे दिख रहे होंगे, जगह छुटी हुई, जैसे यहाँ पर यहाँ ज़्यादा गिर गया था खाद, इस हिसाब से बहुत जगह है ऐसा, बट ये चल जाएगी, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इतनी। इस वाले फार्म को आज पोतना है, और दोनों को पोतना है, तो इसको पोतते हैं चूने से, पूरा एकदम झकाझक सफ़ेद हो जाएगा ये। और ये पीछे की अपने को पल्ली भी बदलना पड़ेगी, ये वाली तो चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाली पल्ली अपने को बदलना पड़ेगी। खोल रहे क्या हो गया, बढ़िया पूरी कर ले तो पानी ने लेट सुनी पर पानी आ गया है बहुत अच्छा, और ट्रैक्टर को मैंने थोड़ा पानी में खड़ा कर दिया ताकि थोड़ा साफ हो जाएगा क्लियर, और बहुत ही ज्यादा पानी आ गया है ये देखो, और उधर और ज्यादा दिक्कत। अपन फार्म के पर्दे दूसरे चेंज कर रहे थे, ये सब खराब हो गए थे, तो ये इधर एक इसका भी लगा दिया पीछे के, और इसका भी लगा दिया है, और पानी आ गया था तो अभी एक आगे का बाकी है, और पानी अच्छी ज़रूरत थी सोयाबीन को इसलिए आ गया है, अब एक आगे का लगा देते हैं, और पानी गिर के खुल गया है, बस ये एक पर्दा रिया है इसको लगा देते हैं, और इधर तो ये अपनी पुरानी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको लगाना ही पड़ेगा, धो धोवा के रख दी थी पर अपना आयल नहीं करा था, पूरी सूखी पड़ी हुई है देख सकते हो, तो इसमें आयल वाइल कर देते हैं चेन वगैरह में, गियर वगैरह में सब में, और फिर इसको इधर अंदर कर रहा था शेड्यूल में, और बहुत ही तेज़ी से पानी आया, बहुत तेज, अभी तक सबसे तेज आया है देखो ये। सुबह से ही पानी गिरिया है, रिमझिम रिमझिम, और अंधेरा अंधेरा हो गया है, मोबाइल में तो थोड़ा ब्राइट ही बता रहा है पर तुम्हारे को थोड़ा लग भी रहा होगा, और अभी भी बारिश हो रही है इधर मेरे पीछे देखो, सुबह से गिर गया है आज पानी, और यूँ पानी की ज़रूरत जब आ नहीं रहा तो सोच
रहा है कि थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है, अपना काम निपटा ले, क्योंकि सुबह बच्चे भी आने वाले हैं अपने फार्म में, आने वाले की गाड़ी भी आने वाली। देख सकते हो इस सीजन का सबसे तेज पानी गिरा है, पूरा खेत में सब हार आ गया है, ये इधर सब भर दिया है पानी, रास्ते पे भी है। ये जाने वाले हैं अपने बच्चे, इसके लिए सब कुछ रेडी है, अपन ने पेपर वेपर नीचे बिछा दिए दोनों फॉर्म में और जगह वगह दे दी है, बस पानी के ड्रिंकर रखना बाकी है, तो वो बच्चा है कि जब अपन रख देंगे, चिक्स आएगा जब भी, तो सब कुछ रेडी है, बस आने की देर है, और दाना भी साथ में आने वाला है, और बुरादा भी। देख सकते हो सबसे पहले अपने को पेपर नीचे बुरादा डाल के, लकड़ी का जो बुरा आता है वो डाल के, फिर ऊपर पेपर बिछाना पड़ते हैं ये, ताकि बच्चा छोटा रहता है तो उनको कुछ लगे ही नहीं, और वो खाना पीना इस पर सब सीख जाए, फिर ड्रिंकर और फीडर रखा जाएंगे इसके ऊपर। तो ये देख सकते हो सब दूर बिछा दिए अपन ने पेपर, इसमें 1200 चिक्स डालेंगे, और 1200 मतलब 1250 इधर और 1250 उस फार्म में अपन ने गमी डाले हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है, बारिश में फार्म गीला भी होता है, इसलिए थोड़ा अपन ने माल को ढीला ही रखा हुआ है, ताकि गीला नहीं हो जाता फार्म और दिक्कत ना। फार्म में पानी के ड्रिंकर सब लगा दिए हैं अपन ने, देख सकते हो पूरे, ये इसके अंदर गुड़ का पानी है, शुरू दिन फर्स्ट डे सबसे शुरू गुड़ का पानी देते हैं बच्चों में, और उसके बाद फिर दवाई ववाई जो भी चलता है, एंटीबायोटिक वगैरह और दवाई। तो अभी आने वाले हैं अपने बच्चे, और अभी अपन ने सब ड्रिंकर लाइन से रख दी है, और उनके अंदर पानी भर के सब कुछ, अपन ने फर्स्ट सर्विसिंग करा ली है अभी अपन ने, ये सब यहीं पे पड़े हुए और पानी आ गया था, जब से इसको चलाया भी नहीं सर्विसिंग कराने के बाद। ना चिक्स आ चुका है, देख सकते हो बढ़िया से, अभी इसमें गुड़ का पानी चल रहा है तो ये पी रहा है सब, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके थोड़ा पी लेगा अच्छा, उसके बाद अपन इसमें दाना करते हैं। ये बच्चे अपने कल आए थे और आज अपन ने इसमें दवा हवा दे दी, मतलब वन डे कंप्लीट हो गया इनका, तो अभी ये दवा और फीडर दाना भी अपन ने फीडर होनों के बर्तन होनों में भर दिया है, वो डिंकर में भी दाना डाल दिया है, ताकि सब दाना अच्छे से खा सके, वेस्टेज ना हो, तो इधर भी और उधर भी यही कंडीशन उस फार्म में भी। आया वाबा बहुत तेज आया पानी, ये देखो बहुत तेज़ी से गिर गया है, 10-15 मिनट हो गए पानी गिरते गिरते, और ये उधर और ज़्यादा लग गया है मुझे पानी, ये इस साइड है इस साइड, पर इधर भी कोई कम नहीं है। आज है अपने बच्चों का सेकेंड डे, और ये देखो कुछ इस प्रकार है अभी पेपर वेपर, कल उठाएंगे, और मॉडलिटी भी दिख रही है एक दो, देखते हैं अंदर कितनी क्या हुई है मॉडलिटी, और कल वल देखते हैं जगह वगह बढ़ाते हैं, अभी तो इसको मेडिसिन देते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो मेडिसिन वगैरह तो अपन ने दे दी है, देख सकते हो सब बच्चे खाने पीने में लगे हुए, फीड वगैरह भी कर दिया है सब, ये देखो बढ़िया से खेल के। तो कल अपने इधर अच्छी खासी बारिश हुई थी, और अपना बच्चा आज 3 दिन का हो चुका है, तो आज उसके पेपर वेपर उठाना है, ये देख सकते हो आगे के पर्दे वर्दे तो अपन ने सब ऊँचे कर दिए, पीछे के अभी नहीं खोल रहा है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बच्चा छोटा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोनों तरफ, और तो आज इनके पेपर वेपर उठा के सब जगह वगह बढ़ाना है। देख सकते हो अभी पेपर पीछे हुए नीचे, ये सब उठा के अपने को इनको तो बाहर फेंकना है, और इधर ये जगह बढ़ाना है, ये बुरादा पहले से डला हुआ है, और इसके नीचे बुरादा डला हुआ है, थोड़ा और बढ़ा देंगे अपन, और ये चारों कमरे कर देंगे अपन फिक्स। तो अपन ने इस पार्टीशन में भी बुरादा कर दिया है छोड़ा, और इधर के बच्चे इधर करेंगे, उसके पहले अपन ये ड्रिंकर नीचे करके इसमें फीड डालेंगे, ताकि बच्चे इधर ही रहे, फिर उधर के पेपर वेपर उठा के सब क्लियर करके फिर दोनों में बरोबर बरोबर कर देंगे, मतलब पार्टीशन नहीं करेंगे, ये पत्रा इधर से ऐसा सीधा कर देंगे। तो देख सकते हो इधर अपन ने पूरी जगह कर दी है 4 कमरे की ये, पर बच्चे भी इधर जमा हो रहे हैं, उधर थोड़ी लाइट आ रही है इसलिए, तो अभी थोड़ा भगा देंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे वो अपने हिसाब से, और ठंडा माहौल भी है इसलिए भी कुछ। तो दोनों साइड अपन ने जगह बढ़ा दी है, देख सकते हो बढ़िया से, और मेडिसिन का पानी भी रख दिया है, और फीडर भी बढ़ा दी है अपन ने सब, तो देख सकते हो इधर भी और उधर भी। तो थोड़े थोड़े पर्दे भी उठा दिए अपने पीछे के, ये देख सकते हो, और आगे के दो ही तरफ, आगे के तो पूरे उठा दिए, पीछे का थोड़ा ही उठाया, और ये अपनी सोयाबीन है,
ऐसी है, निकली है बहुत तेज धूप और देख सकते हो कितनी बढ़िया सी निकली है। पानी दो तीन रोज से गिर रहा था तो पानी तो अभी गिरना बंद हो गया है, बट आज अभी धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है। देख सकते हो मेरे पीछे सोयाबीन भी बढ़िया हो रही है। तो ये है अपनी सोयाबीन, पानी की सख्त ज़रूरत थी, पानी आ भी गया है और अभी इसमें चारा बहुत हो रहा है बगदा टाला, तो इसको भी दवा छिटना पड़ेगी और ट्रैक्टर से डुरवाना पड़ेगी, बट अभी ट्रैक्टर तो चल नहीं सकता है, तो देखते हैं एक दो रोज बाद जब भी टाइम मिलता है। देखो बढ़िया सी हो रही है। तो दवा का पानी हो चुका है खत्म और अभी अपने को देना है इसमें एक और दवा डलेगी, एंटीबायोटिक एंड्रोसिन करके नाम है जिसका, तो वो देना है और ये वाला पानी निकाल देते हैं सब जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है।